Hello everyone, welcome back to GK Chemistry, and today our topic is Wilkinson catalyst. So Wilkinson catalyst actually होता क्या है, ये एक organometallic catalyst होता है जो किसी alkene को alkane में reduce करता है. So this catalyst reduce alkene into alkane. So what is the formula of this catalyst? It is RH Cl PPH3 whole twice. Right, it is the formula of Wilkinson catalyst. अगर हम इसमें बात करें, यहाँ पे अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैंने माना एक्स, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक्स है. और यहाँ पे क्लोरीन क्या होती है, -1. जो PPH3 होता है वो एक न्यूट्रल लाइगेंड होता है. इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, फॉस्फोरस के पास क्या होता है, 3 फिनाइल ग्रुप लगे रहते हैं. तो ये क्या होता है, एक न्यूट्रल लाइगेंड होता है, इसलिए यहाँ पे इसका कोई भी चार्ज नहीं होगा. तो इसके लिए क्या करते हैं, 0 को रख देते हैं, इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है. तो यहाँ पे हमारी जो एक्स की वैल्यू आती है वह क्या आती है, +1 आती है. इसका मतलब जो हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट है उसके ऊपर ये जो मेटल है इसके ऊपर क्या है, एक +1 चार्ज है. राइट, सो इसके ऊपर क्या हो गया, एक +1 चार्ज आ गया. कभी कभी क्या करते हैं वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूछ लेते हैं कि विल्किंसन कैटलिस्ट में जो मेटल होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, कितना होता है, +1 होता है. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे और उससे पता करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. जो तुम्हारा रोडियम होता है वो एक कोबोल्ट फैमिली से बिलोंग करता है और इसके पास 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. जो तो क्लोरीन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. और जो आपका PPH3 होता है, यहाँ पे फॉस्फोरस के पास कितने होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन को इनके साथ क्या कर लिया है, शेयर कर लिया है. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अभी है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बाकी बचे हुए हैं. तो ये क्या करता है, PPH3 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. तो यहाँ पर एक PPH3 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ पर 2 कितने करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं. सॉरी, यहाँ पे PPH3 होता है. तो यहाँ पे कितने करेगा, एक PPH3 करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 PPH3 कितना करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन. राइट, सो टोटल जो इलेक्ट्रॉन काउंट करके आए हैं वो कितने हैं, 10 + 6 = 16. सो अवर विल्किंसन कैटलिस्ट कैरी अ 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर हम बात करें कोई कॉम्प्लेक्स है, उसके पास 4 लाइगेंड हो, लाइगेंड 4 हो और इलेक्ट्रॉन कितने हो, 16 इलेक्ट्रॉन हो, 16 इलेक्ट्रॉन वैलेंस हो, तो हमेशा ही स्क्वायर प्लेनर होगा. इफ एनी कॉम्प्लेक्सेस हैव 4 लाइगेंड एंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 16, देन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर. राइट, एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द मेटल इज +1. सो वट इज द यूज, इज द यूज, यूज क्या करते हैं इसको, इट रिड्यूस एल्कीन इंटू एल्केन. और ये क्या करता है, हाइड्रोजिनेशन कर देता है ऑफ एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन. ये एल्काइन को भी रिड्यूस करता है और एल्केन को भी रिड्यूस करता है इनटू एल्कीन. राइट, तो हमने देखा कि जो तो होता है हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट वो क्या काम करता है, वो किसी एल्कीन को या फिर एल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एक एल्केन में रिड्यूस कर देता है. तो ये अनसेचुरेटेड को एक सेचुरेटेड कंपाउंड में चेंज कर देता है. अगर हम बात करें यहाँ पे PPH3 की, तो ये क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 बल्कि ग्रुप लगे हैं, दिस बेंजाइल ग्रुप आर बल्कि ग्रुप. सो ये क्या करेगा, इट रिड्यूस विल्किंसन कैटलिस्ट रिड्यूस एल्कीन और एल्काइन फ्रॉम
लेस हिंड्रेड साइड, ये क्या करेगा, बिकॉज दीज आर द बल्की ग्रुप, सो विल्कनसन कैटलिस्ट रिड्यूस एल्कीन और एल्काइन फ्रॉम लेस हिंड्रेड साइड, राइट। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर, सॉरी इट इज रिड्यूसिंग ऑर्डर, रिड्यूसिंग ऑर्डर ऑफ विल्कनसन कैटलिस्ट। तो हमें एक ऑर्डर देखना है, किस ऑर्डर में जो तो आपका विल्कनसन कैटलिस्ट होता है वो किसी एल्कीन को कैसे रिड्यूस करने वाला है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये सबसे पहले किसको रिड्यूस करेगा, इसको करेगा अगर हमारे पास ये ग्रुप भी कहीं पे प्रेजेंट है, सपोज ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। सो सबसे पहले क्या करेगा, ये इसको रिड्यूस करेगा, बाद में इसको रिड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही बल्कि ग्रुप आर लगा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ग्रुप लगे हैं इस एल्कीन से, एक ग्रुप इस साइड एक ग्रुप इस साइड, इसलिए यहाँ पे क्या है, ज़्यादा हिंड्रेंस है एज कम्पेयर टू इसके। तो ये क्या करता है, हमने अभी पढ़ा ये लेस हिंड्रेड साइड से किसी को रिड्यूस करने वाला है, तो ये पहले रिड्यूस करेगा उसको जो लेस हिंड्रेड होगा। तो सबसे पहले इसको करेगा, फिर इसको करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंप्लीट ऑर्डर लिख देता हूँ ये किसको करने वाला है। उसके बाद ये इसको रिड्यूस करेगा, फिर इसको रिड्यूस करेगा, फिर इसको करेगा रिड्यूस। उसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा आपका, और सबसे लास्ट में आ रहा है आपका ये। तो इसमें आप देख रहे हो चारों तरफ से बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस है, इसलिए ये जल्दी से इसको रिड्यूस नहीं करेगा। ये क्या करेगा, जो कम सब्स्टिट्यूट है उनको जल्दी से रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो है ये क्या है, सीस है और ये ट्रांस है। अगर हम ट्रांस की बात करें तो इसके दोनों साइड से जो हमारे सरफेस एरिया हैं वो क्या है, क्राउडेड है, और यहाँ पे क्या है, रिपल्शन होगी अगर मैं विल्कनसन कैटलिस्ट को डालता हूँ, क्योंकि वो भी क्या है, एक बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों साइड इसकी ब्लॉक हो रखी है और यहाँ पे जल्दी से हाइड्रोजनेशन हो नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीस एल्कीन है और ये वाला सरफेस जो एरिया है वो क्या है, इजीली अवेलेबल है रिड्यूसिंग होने के लिए। तो सीस एल्कीन को जल्दी रिड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस एल्कीन। हमने देखा यहाँ पे कि हमने जो स्टार्ट किया है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है और हमने बात नहीं की है एक सिंपल एल्कीन की, हमने एक सिंपल एल्कीन की बात नहीं की है। तो इसके केस में क्या होता है कि जो आपका ये सिंपल एल्कीन होता है, इसके अंदर ये जो विल्कनसन कैटलिस्ट होता है अच्छे से क्या नहीं कर पाता है, इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि जो बाइंडिंग पावर होती है विल्कनसन कैटलिस्ट की, विल्कनसन कैटलिस्ट क्या करता है, इस सिंपल एल्कीन के साथ बहुत अच्छे से बाइंड हो जाता है और ये बाद में यहाँ से रिमूव नहीं हो पाता है। इसलिए ये जो विल्कनसन कैटलिस्ट होता है ये इजीली सिंपल एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमने क्या किया है, एक सिंपल एल्कीन ना लेकर हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, इसके ऊपर हमने एक ग्रुप लगाया हुआ है जो एक मिथाइल ग्रुप हो सकता है, एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। हमने एक सिंपल एल्कीन को नहीं लिया है, क्योंकि जो सिंपल एल्कीन होती है उससे क्या होता है, ये कैटलिस्ट बहुत अच्छे से क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है और यहाँ से ईजिली ये कैटलिस्ट बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए ये सिंपल एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाता है। नाउ व्हेन वी ऐड H2 टू आ एल्कीन, इन द प्रेजेंस ऑफ विल्कनसन कैटलिस्ट, हमें क्या करना है, अगर हम विल्कनसन कैटलिस्ट में किसी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन मोलिक्यूल क्या करने वाले हैं, हम किसी एल्कीन के ऊपर ऐड करने वाले हैं, इसका मीन क्या है कि हम एल्कीन को रिड्यूस करने वाले हैं किसी एल्कीन में। तो हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन का किसके अंदर, एल्कीन के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, विल्कनसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो हमेशा क्या होगा कि जो आपका विल्कनसन कैटलिस्ट होता है वो हमेशा क्या देता है, सिस एडिशन देता है, हमेशा क्या देगा, जो विल्कनसन कैटलिस्ट होता है वो हमेशा ही एक एल्कीन के ऊपर सिस एडिशन देगा। सपोज़ कीजिए आपके पास ये है, एक एल्कीन है
और आपने क्या किया, इसके अंदर ऐड किया है किसी H2 को, और हमने इसके ऊपर एक विल्कनसन कैटलिस्ट को डाला है। विल्कनसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला है RHPPH3 होल थ्राइस एंड इट इज़ Cl। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एडिशन होगा इस हाइड्रोजन को क्या होगा होने वाला है, सिस एडिशन होने वाला है। सिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, एल्किन किस में रिड्यूस होएगा, एल्किन किस में रिड्यूस होने वाला है, एल्किन में। हो सकता है कि दोनों जो हाइड्रोजन ऐड होंगे वो अबव द प्लेन हो जाए, या फिर हो सकता है कि जो एडिशन हम कर रहे हैं वो क्या हो जाए, वो बिलो द प्लेन हो जाए, राइट। जो आपका विल्कनसन कैटलिस्ट होगा वो क्या करने वाला है, वो एडिशन करेगा किसी हाइड्रोजन का सिस साइड से, या तो दोनों अबव द प्लेन आएंगे या फिर दोनों बिलो द प्लेन आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एंटी एडिशन नहीं होगा, एंटी एडिशन नहीं होगा। इसके लिए अगर हम बात करें इसका मैकेनिज्म के बारे में, तो ऑर्गेनोमेटैलिक में ऑर्गेनोमेटैलिक एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन एडिशन, एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन एडिशन, अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर ग्रुप होगा, अगर हम किसी को कोई हमारे पास ग्रुप है जिसको हमें ऐड करना है किसी एल्किन के ऊपर, और वो कैसा है नेचर में, नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है हाइड्रोजन है, तो ये पोलर नहीं क्या, एक नॉन पोलर ग्रुप है। जब भी हमारे पास ऑक्सीडेशन एडिशन होगा और हमारे पास क्या होंगे, नॉन पोलर ग्रुप होंगे, तो हमेशा ही यहाँ पे सिस एडिशन होगा। कौन सा एडिशन होगा, सिस एडिशन होगा। लेकिन अगर हमारे पास नॉन पोलर ना होकर के क्या है, पोलर है, अगर हमारे पास क्या है कोई पोलर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल HCl, तब क्या होगा, यहाँ पे हमेशा एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस एडिशन होने वाला है, राइट। अगर हमारे पास क्या है कोई नॉन पोलर ग्रुप है तो क्या होगा, सिस एडिशन होगा। अगर हमारे पास कोई पोलर ग्रुप है, इसके अंदर क्या पोलैरिटी है, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, सो यहाँ पे क्या होता है पार्शियली नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है पोल्स बन जाते हैं, पोल्स बनने से इसके अंदर क्या होता है पोलैरिटी आ जाती है। जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी होगी और उसका हम क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन एडिशन करने वाले हैं, तब वहाँ पे क्या होगा, एंटी एडिशन होगा या फिर क्या होगा, ट्रांस एडिशन होने वाला है। लेकिन अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर ग्रुप है तब क्या होगा, हमेशा वहाँ पे सिस एडिशन होगा। विल्कनसन कैटलिस्ट में हम क्या करेंगे, H2 को जैसे ही ऐड करेंगे हमेशा ही क्या होगा, सिस क्या होगा, सिस एडिशन होगा, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से अटैच हो जाएंगे। जब हमारा कोई ऑक्सीडेशन एडिशन होता है, ऑक्सीडेशन एडिशन जब भी होगा, ऑक्सीडेशन एडिशन जब भी होता है, तब किसी एक मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सपोज़ कीजिए वो +X है, जब भी किसी मेटल के अंदर क्या होता है ऑक्सीडेशन एडिशन होता है, अगर किसी मेटल के ऊपर जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया X है, तो क्या हो जाएगा, वो X+2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ऑक्सीडेशन एडिशन होगा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज इंक्रीज बाय +2, राइट। सपोज इट इज +1, जब ऑक्सीडेशन एडिशन हो जाएगा इट विल कन्वर्ट इनटू +3, राइट। सो अगर हम बात करें विल्कनसन कैटलिस्ट की, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट किया था कि जो रोडियम के ऊपर होता है क्या होता है +1 होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाला था, क्या आया था +1 आया था। जैसे ही मैं इसके अंदर करूँगा क्या ऑक्सीडेशन एडिशन, या फिर हाइड्रोजन को क्या करने वाला हूँ, ऐड करने वाला हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन एडिशन हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीडेशन एडिशन होगा, इस रोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 से कहाँ चली जाएगी, वो +1 से +3 में चेंज हो जाएगी, राइट। जब भी ऑक्सीडेशन एडिशन प्रोसेस होगा, तब किसी भी मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 से चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे +1 है तो किस में चेंज हो जाएगा, +3 में चेंज हो जाएगा। नाउ अगर हम विल्कनसन कैटलिस्ट की बात करें,
तो इसमें स्टार्टिंग में होता क्या है, जब हम क्या करने वाले हैं, कोई एल्कीन लेने वाले हैं, हमने कोई एल्कीन ले लिया है और हम क्या करने वाले हैं, इसको हाइड्रोजनेशन करने वाले हैं किसकी प्रेजेंस में, H2 की प्रेजेंस में। हमें क्या करना है, इस एल्कीन को रिड्यूस करना है किसमें, एल्केन के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, एक विल्किंसन कैटलिस्ट को मैंने यूज़ किया है। तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में ये जो हमारा RH PPH3Cl होता है, हमने पहले ही बात की थी कि एक स्क्वायर प्लेनर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर होता है। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा कि ये कुछ इस टाइप से होगा, और यहाँ पे आपको क्या लगेगा, क्लोरीन लगा रहेगा। तो जो ये स्ट्रक्चर है, क्या है हमारा, स्क्वायर प्लेनर है। इसमें क्या होगा, जैसे हम क्या करने वाले हैं, एडिशन करने वाले हैं किसी एल्कीन के ऊपर किसी हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले जो विल्किंसन कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्राउडेड क्या लगे रहते हैं, PPH3 ग्रुप लगे रहते हैं। तो यहाँ पे जो एडिशन होता है एल्कीन को इजीली नहीं हो पाता है। इस रिपल्शन को कम करने के लिए यहाँ से एक PPH3 ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है। इस रिपल्शन को कम करने के लिए यहाँ से एक PPH3 ग्रुप क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। इससे क्या होता है, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, और रीअरेंज होने पर ये हमें कुछ इस टाइप से अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज कर लेता है। यहाँ पे क्या करना है हमको कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ये जो ग्रुप होते हैं बहुत बल्की ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, रिपल्सन स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए एडिशन ऑफ एल्कीन इजीली नहीं हो पाता है। तो इसको रिडक्शन इसको क्या एल्कीन को ऐड करने के लिए पहले क्या होता है, यहाँ पे एक PPH3 ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है ताकि ईजिली यहाँ पे एल्कीन बाइंड हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टेप में एक PPH3 ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे जो इसकी शेप आएगी वो हमें कैसे मिलेगी, टी शेप। शेप कैसे मिल रही है, टी शेप। सो हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, टी शेप मिल रही है। तो इसमें से टी शेप में से निकल जाएगा, यहाँ से स्क्वायर प्लेनर से एक PPH3 ग्रुप निकल जाएगा और हमें मिलेगी अ टी शेप। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा किसका, एल्कीन का। तो एल्कीन का एडिशन कैसे होगा, इससे यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन का एडिशन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे एडिशन करेंगे हाइड्रोजन का। अभी प्लस वन है, और जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन एडिशन हो जाएगा और ये कुछ चेंज हो जाएगा इस टाइप से। मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ फिर से, और यहाँ पे हमेशा क्या सा एडिशन होगा, सिस एडिशन। सपोज दिस टाइप से ये एडिशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं सिस एडिशन। अब यहाँ पे क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्जन होगा, इसमें दो स्टेप में क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्जन होगा और उसके बाद क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। तो इसमें चार स्टेप की रिएक्शन होती है। सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीडेशन एडिशन होता है, इसके बाद क्या होता है, माइग्रेटरी इंसर्जन होता है, इसके बाद क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है। और हमें क्या मिलता है यहाँ पे, ये जब हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे तो ये बन जाएगा CH3, और ये हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, ये भी क्या बन जाएगा, CH3। इस तरह से हमें क्या मिलती है, एक एल्केन मिल जाता है। यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, एक एल्केन मिल जाता है। तो जो आपका विल्किंसन कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, किसी एल्केन को एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो इसके बारे में हमें क्या पॉइंट याद रखने है कि जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, उसके ऊपर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसके बाद जब किसी का ऑक्सीडेशन एडिशन करना होता है तो सबसे पहले एक PPH3 ग्रुप वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और हमें क्या मिलता है, एक टी शेप मिलता है। उसके बाद क्या होता है, हम ऑक्सीडेशन एडिशन कर लेते हैं और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो रोडियम की प्लस वन से प्लस थ्री में चेंज हो जाती है, और बाद में हमें क्या मिलता है, एक एल्केन मिल जाता है, राइट। सो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इसके पॉइंट क्या हैं, सबसे पहले हैं कि इसमें रोडियम प्लस वन में होता है स्टार्टिंग में, लेकिन ऑक्सीडेशन होने के बाद ये प्लस थ्री में चला जाता है। स्टार्टिंग में ये स्क्वायर प्लेनर होता है, लेकिन जब ये इंटरमीडिएट बनाता है ये एक टी शेप बन जाता है।
एक टी शेप बन जाता है, राइट। इसके बाद थर्ड क्या है इसके अंदर कि अगर हम H2 को एडिशन करते हैं वो हमेशा कैसा होगा, शीशा एडिशन होगा, हमेशा कैसा एडिशन होगा, शीशा एडिशन होगा, और ये लेस हिंड्रेड साइड से होगा, लेस हिंड्रेड साइड से इसका एडिशन होगा। सो कुछ ये जनरल पॉइंट है। इसमें हमें क्या याद रखना है कि प्लस वन होता है, स्क्वायर प्लानर होता है, जब H2 का एडिशन करेंगे शीशा एडिशन होगा, टी शेप बनेगी इंटरमीडिएट में, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस वन से कहाँ पे चेंज हो जाती है, प्लस थ्री में चेंज हो जाती है। नाउ लेट्स सोल्व आउट सम प्रॉब्लम विच इज़ आस्क इन योर नेट एंड गेट एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट राइट हियर। द क्वेश्चन आस्क इन योर गेट 17 एग्जामिनेशन एंड दे आस्क द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन यूजिंग विल्कनसन कैटलिस्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस वेरी इन ऑर्डर। सो वे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा ऑर्डर सही है, किसको विल्कनसन कैटलिस्ट पहले रिड्यूस कर देगा। तो हमने बात की है, अगर हम देखें यहाँ पे ये जो ग्रुप है यहाँ पे कैल्किन है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए सिस साइड से लगे हुए हैं। ये ग्रुप किस साइड से लगे हैं, सिस साइड से लगे हुए हैं, ये ट्रांस में लगे हुए हैं। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो एल्कीन है ये ज़्यादा हिंड्रेड है एज़ कम्पेयर टू इसके, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप लगे हैं, एल्काइल ग्रुप दो साइड लगे हुए हैं, लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे तीन साइड से एल्काइल ग्रुप लग गए हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा हिंड्रेड है, सबसे ज़्यादा हिंड्रेड ये है, इसलिए यहाँ पे जो विल्कनसन कैटलिस्ट है इसको इसका जो रेट होगा सबसे स्लो किसके लिए होगा, इसके लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। अब बात करते हैं इसकी, तो ये ट्रांस है, ये सीस है। तो हमने पहले ऑर्डर में देखा था कि जो विल्कनसन कैटलिस्ट होता है वो सबसे पहले किसको रिड्यूस करता है, सीस एल्कीन को रिड्यूस करेगा, बाद में किसको करेगा, ट्रांस को करेगा। तो यहाँ पे इस पर तो सबसे ज़्यादा क्या है, हिंड्रेड है, तो इसलिए तो उसको सबसे बाद में करेगा, या तो ये ऑप्शन ये रहेगा सही, या फिर ऑप्शन ये सही है। अब आते हैं इसके ऊपर, तो पहले किसको करेगा, सीस को, फिर किसको करेगा, ट्रांस को। तो सबसे पहले वन को करेगा, फिर सेकेंड को करेगा, फिर थर्ड को करेगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें पूछ रहा है रिएक्शन ऑफ H2 विद विल्कनसन कैटलिस्ट रिजल्ट इन। सो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमको क्या करना है, राइट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। सो ये क्या कर रहा है, विल्कनसन कैटलिस्ट में ऐड कर रहा है H2, तो बोल रहा है सिस एडिशन ऑफ H2, बिल्कुल सही है, विल्कनसन कैटलिस्ट गिव सिस एडिशन। सो मे बी सिस एडिशन ऑफ H2 एंड ऑक्सीडेशन चेंज बाई -2 यूनिट, -2 की हमने कहीं पे बात नहीं की है, सो इट विल नॉट चेंज बाई -2। ट्रांस एडिशन ये नहीं देता है, सो ट्रांस एडिशन इज रॉन्ग, एंड हियर द फोर्थ ऑप्शन इज सिस एडिशन ऑफ H2 एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंज बाई +2 यूनिट। सो हमने देखा कि जो विल्कनसन कैटलिस्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से चेंज होता है और वो सिस एडिशन भी देता है, तो ये क्या है हमारा राइट ऑप्शन फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्टिव इलिमिनेशन स्टेप इन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन बाय विल्कनसन कैटलिस्ट रिजल्ट इन। तो क्या बनता है वहाँ पे, जब रिडक्टिव इलिमिनेशन करते हैं तो वहाँ पे पहले क्या होता है कि हमारा जो विल्कनसन कैटलिस्ट होता है वो चेंज होता है किस शेप में, टी शेप में। तो टी शेप यहाँ पे दिया हुआ है और टी शेप यहाँ पे दिया हुआ है, ये दोनों क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ये भी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये ऑप्शन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, टी शेप में चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें टी शेप में, तो हमने कुछ ऐसे देखा था, टी शेप में कुछ ऐसे हमने ग्रुप लगाए थे, और यहाँ पे क्या था हमारा, Cl ग्रुप था, राइट। अगर हम देखें इसके अंदर, यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन को भी ऐड कर दिया है, लेकिन हमारी जो टी शेप है उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या होता है, टी शेप आता है, और यही हमारे पास जो हमारा इंटरमीडिएट होता है वो ही बन के आता है, क्योंकि यहाँ से एक PPH ग्रुप क्या हो जाता है, इलिमिनेट हो जाता है, इसलिए हमें क्या मिलता है, टी शेप मिल जाता है, राइट। सो इट इज़ ऑल अबाउट विल्कनसन कैटलिस्ट, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गुड लक।